हेलो बच्चों, आज हम विषय पर्यावरण के अंदर पार्ट 22 बायां और दायां का पार्ट 2 देखेंगे कि रुचिरा जो है वो अपने घर से स्कूल जाती है। उसका पूरा नक्शा यहाँ पर दिया गया है, उसके घर घर से लेकर स्कूल तक वो किस किस रास्ते से जाती है वो पूरा नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सोचिए और लिखिए, रुचिरा को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिलेंगी उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको कुछ बॉक्स दिए गए हैं, उसके अंदर रुचिरा जो है, यहाँ नक्शे में आ जाते हैं हम, वो अपने घर से लेकर जब वो स्कूल जाती है तो उसे कौन कौन सी वस्तु या जगह देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रुचिरा घर से निकल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, रुचिरा जो है वो अपने घर से निकल रही है और उस रास्ते से वो जा रही है। तो वहाँ पर सबसे पहले उसको एक घर जो इसके दोस्त का हो सकता है आगे जाती है, तो यहाँ पर उसको मिल रहा है हैंडपम्प। और आगे जाती है तो उसको मिलता है यहाँ पर पेड़। चलो और आगे जाएगी वो तो उसको मिलता है यहाँ पर कुआं। कुआं से आगे जब जाती है वो, आगे जाते हुए उसको यहाँ पर मिलता है बस स्टॉप, आप देख सकते हैं चित्र में। चलो और आगे जाती है तब उसको मिलता है डाकघर। आगे जाएंगे मिलते हैं उसको अस्पताल, तो आगे जाने पर दुकान मिलती है। और थोड़ा आगे जाती है तो वापस उसको एक पेड़ मिलता है। और फिर वो अपने पाठशाला यानी कि वो स्कूल, मतलब हमारा राइट साइड, और उसके बाईं ओर कौन सी जगह मिलेगी और जगह और चीज़ें मिलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड। तो ये हो गया हमारा दायां, दाईं ओर, और ये हो गई हमारी बाईं ओर। तो आपको यहाँ पर खुद सोचना है कि जब ये रुचिरा अपने घर से लिखती है, निकलती है, रास्ते पर जब चल रही होती है, तो उसके लेफ्ट हैंड पर कौन कौन सी वस्तु आती है और राइट हैंड पे कौन कौन सी वस्तु उसको मिल रही है या जगह मिल रही है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। पता कीजिए, रुचिरा को घर से स्कूल जाते समय कुल कितनी बार मुड़ना पड़ा। अब वो कितने कितने बार वो टर्न ले रही है, मुड़ रही है, तो हम यहाँ पर, तो जब से वो पहले तो अपने घर से निकलती है तो यहाँ पर मुड़ती है, घर से निकलने के बाद एक, आगे जाते हुए यहाँ पर दूसरी बार मुड़ेगी, फिर यहाँ से वो आगे जाएगी, यहाँ तीसरी बार मुड़ती है, यहाँ से आगे जाते हुए चौथी बार, फिर आगे जाती है यहाँ पांचवी बार, और यहाँ पर आने पर छह बार। यानी कि क्या हो सकता है कि रुचिरा को अपने घर से स्कूल जाने पर वो रास्ते में छह बार मुड़ना पड़ता है। चलो आगे, संकेतों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। क्या करना है, यहाँ पे जो हमें कुछ संकेत दिए हैं उसको पहचानना है और हमें लिखना है। क्या तुम बता सकते हो कि ये संकेत क्यों बनाए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके, जैसे कि सबसे पहला संकेत है स्टार। तो यहाँ पर देखिए, स्टार हमारे यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर क्या है स्टार का मतलब, यहाँ पर क्या हो सकता है स्टार का मतलब, यहाँ पर है घर, यानी कि रुचिरा का घर है, यहाँ पर हम लिखेंगे घर। वापस आगे जाके दूसरा जो निशान है वो क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घर। और आगे जो जाते हुए पेड़ का चित्र है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़, ये किसका निशान हो सकता है, तो लिखेंगे पेड़। और आगे जाते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन यानी हरा रंग, तो यहाँ पर हरे रंग का जो दिख रहा है वो क्या हो सकता है, बाग यानी कि पार्क लिख सकते हो, ये हो सकता है पार्क यानी कि बगीचा। आगे जाते हुए
हमें कुछ गोल आकार में दिख रहा है, तो वो किसका निशान है? कुआं का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुआं। चलो आगे जाते हुए आपको एक चौरस, लंब चौरस जैसा दिख रहा है, तो वो वहाँ पर चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? बस स्टॉप। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बस स्टॉप। हम यहाँ पर लिखेंगे बस स्टॉप। और आगे जाते हुए देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर, देखेंगे चित्र में क्या दिया गया है आपको यहाँ पर, डाकघर। यहाँ पर हम लिखेंगे डाकघर, डाकघर। आगे जाते हुए, अब ये इंसान तो आप सबको ही जानते हो, आप जैसे अस्पताल जाते हो या एम्बुलेंस देखते हो तो वहाँ पर ऐसा निशान बना होता है, ये क्या हो सकता है? आप आसानी से पहचान सकते हो, तो ये हो सकता है अस्पताल। और आगे जाएंगे, यहाँ पर दुकान है, दुकान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दुकान का चित्र दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दुकान। चलो वापस, पेड़ का चित्र है। और आगे जाते हुए स्कूल, यहाँ पर हमें स्कूल दिख रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्कूल। ओके, यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो हमने ऊपर जो नक्शा देखा है उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें नक्शा दिया गया है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है? ये जो हमें कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि संकेत, हमें कौन कौन से संकेत बनाने हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे रुचिरा का घर, स्कूल, डाकघर, पेड़ दिया गया है आपको, पेड़, अस्पताल, बस स्टॉप, कुआं, दुकान, दरवाज़ा और घर। अब हमें करना क्या है यहाँ पर? ये जो हमने ऊपर के चित्र के अंदर ये जो संकेत हमने देखे हैं, आप ये जो संकेत देख रहे हो उसी तरीके से आपको अपनी मर्जी से संकेत बनाने हैं। जैसे कि अभी आपने यहाँ पर घर के लिए ये वाला संकेत देखा है, ये जो संकेत देखा है, तो आप इसकी जगह पर आप अपने तरीके से रुचिरा के घर के लिए आप कैसा संकेत बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। जैसे कि आप घर के लिए ये संकेत बना रहे हो, बराबर, ये संकेत आपने घर के लिए बनाया है। चलो स्कूल के इस सारे नक्शे के अंदर अलग अलग वस्तु को हमें यहाँ पर दर्शाना है, और दर्शाओगे किस तरीके से कि हमें ये जो हमने जो संकेत बनाए हैं उसी का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे बनाना है। आए बच्चों समझ में? चलो आगे जाते हैं। अब शब्द पढ़िए और उसके संकेत बनाइए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अपने मन से अलग अलग संकेत बनाने हैं। जैसे कि घर, तो घर हो गया, तो घर के लिए हम क्या संकेत बना सकते हैं? जैसे कि देखिए हम एक सामान्य छोटा सा घर बनाएंगे, बराबर, ये हो गया। अब बच्चों तो आपको ऐसे दो और चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, यानी कि कोई सी भी वस्तु पर लिख सकते हो और उसका संकेत बना सकते हो। तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है 22, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।